फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने आपको स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक फ्लू या गैस्ट्रो एंट्राइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया था, लेकिन मैंने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है स्टमक इन्फेक्शन का कॉन्टामिनेटेड फूड या कॉन्टामिनेटेड वाटर के संपर्क में आते ही। तो आज अपन इस बारे में बात करेंगे कि आप क्या फूड लें, क्या चीज़ें खाएँ जिससे आपको स्टमक इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो, और अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन होता है बार बार या हो गया है तो आपको किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और बिल्कुल नहीं हो, आपको जो स्टमक इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी बनी हुई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो स्टमक इन्फेक्शन होता है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम बोलते हैं, स्टमक फ्लू जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, वॉमिटिंग और डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको ऐसी चीज़ें ऐड करनी है हमारी डाइट में जो डायरिया वॉमिटिंग को कम करे, उसको रोके। जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फूड आइटम्स होते हैं वो आपको इसकी जो टेंडेंसी होती है उसको भी ख़त्म करती है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का दोस्तों मैं नाम लेना चाहूँगी वो है बनाना। अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बनाना ऐसी चीज़ है जो उसको आपको रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो आपके मिनरल्स लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, में जो वीकनेस आ रही है वॉमिटिंग और डायरिया के कारण, उसको भी रोकेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रोबायोटिक योगर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं स्टमक इन्फेक्शन को कम करने में, ख़त्म करने में, क्योंकि ये जो योगर्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और आपका जो इन्फेक्शन है उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसको फाइट करने में हेल्प करते हैं योगर्ट के जो बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा गार्लिक जो होता है दोस्तों वो भी इन्फेक्शन किलर का काम करता है। आपके पेट में अगर सूजन आ रही है और गैस अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा बन रही है तो जो गार्लिक होता है वो आपके पेट को ठीक करने में काफ़ी आपकी मदद करता है। चौथी दोस्तों जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो है चीज़ कोकोनट वाटर। दोस्तों, जो कोकोनट वाटर होता है उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जो ये मिनरल्स होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं, और वो इस फॉर्म में होते हैं कि जब आप इसको पीते हैं तो वो सुपाच्य होते हैं बिल्कुल, और आप जब वीक हैं, आपका पेट डिस्टर्ब है, तब भी आपके पेट में जाके जो एब्जॉर्प्शन है वो इजीली हो जाता है इनका। तो कोकोनट वाटर आप ज़रूर पिएं, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, साथ ही साथ ही आपकी वीकनेस को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पानी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना है, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया की जो टेंडेंसी होती है स्टमक इन्फेक्शन में, उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेटेड होने पे जो वीकनेस है या जो उसके सिम्टम्स वर्स होने की जो चीज़ें हैं, मतलब जो स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी जो टेंडेंसी बनी हुई है कि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो आप पानी अगर ऊपर से पीते रहेंगे तो कमी जो है पानी की वो नहीं होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और वीकनेस नहीं आएगी, आपको एकदम से चक्कर आकर गिरने जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बातें तो हो गई हमारी वो चीज़ें लेने की जो चीज़ें फ़ायदा करती है स्टमक इन्फेक्शन में, स्टमक फ्लू में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, उसको कम करने में आपकी हेल्प करती है। अब हमको ऐसी बातें भी जाननी जरूरी है, ऐसी चीज़ें जाननी भी जरूरी है जो हमारे स्टमक इन्फेक्शन को बढ़ा देती है। तो अल्कोहल जो है वो कम से कम लेना है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, अगर आप अल्कोहल लेंगे तो आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, लीवर ख़राब होने की जो टेंडेंसी है वो इस टाइम पर ज़्यादा हो जाती है, तो आपको अल्कोहल इस समय बिल्कुल नहीं लेना है। नमक की मात्रा जो है वो आपको कम कर देनी है, शक्कर की मात्रा आपको कम कर देनी है, जूस आप ले सकते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर जो है वो मिला के आपको चीज़ों में नहीं लेनी है। आप ग्लूकोज ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड शुगर का यूज़ कम से कम करें। इसके अलावा हरी सब्जियां आपको इस समय नहीं लेनी है, वैसे तो बोलते हैं कि जो हरी सब्जियां होती है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन इस समय डायरिया के सिचुएशन में जब आपको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको स्पेशली जो हरी सब्जियाँ हैं उसमें से भी हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं, जैसे ब्रोकली हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, कैबेज हुआ, पत्ता गोभी और फूल गोभी है, ये आपको नहीं लेनी है। स्पिनच जो है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि स्पिनच यानी कि पालक जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये डायरिया कॉज करता है, वॉमिटिंग भी इसकी वजह से हो सकती है। तो जो भी फाइबर वाली चीज़ें हैं आपको अवॉइड करनी है और कम फाइबर वाली चीज़ें लेनी है। अगर आप कोई चीज़ें वीकनेस को दूर करने के लिए लेना भी चाहते हैं तो जूस और सूप के फॉर्म में लें।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरी बताई हुई अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करके अपनी वैल्यूबल राय मुझे ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।